आज का दिन कोई सपने से कम नहीं। आज मैं अपने ज़िंदगी का वो सपना पूरा करने जा रहा हूँ जो शायद कभी मैंने देखा ही नहीं था। इतने बड़े तो कभी ख्वाब भी नहीं थे यार। अ जर्नी फ्रॉम द वेरी बॉटम टू द टॉप। हम मिडिल क्लास लोगों के सपने होते ही कितने, एक कार, एक घर और एक अच्छी इनकम। इसके ऊपर हम सोचते भी गए। आई स्टिल कांट बिलीव कि वो दो दोस्त जो मंदिर में जाकर बात करते थे, मंदिर में भगवान से प्रार्थना करते थे, बैठकर ये मजाक करते थे कि अगली बार अगर मोमोज खाने जाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ एक कार में जाएंगे, नहीं तो अब से मोमोज खाना बंद यार। बजरंगबली से जाकर इतनी शक्ति मांगते थे कि एटलीस्ट इतना केपेबल बना दो, इतना ताकतवर बना दो कि अपने पेरेंट्स की और खुद की देखभाल कर सके, उन्हें खाना खिला सके और एटलीस्ट यार कुछ पैसे कमा सके। हम मिडिल क्लास लोगों को ऐसा लगता है कि अगर पैसा आ गया तो ज़िंदगी के 99% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। असलियत कुछ और ही होती है। असलियत में सबसे अकेला और सबसे लोनली इंसान वही होता है जिसने सक्सेस अकेली कमाई हो। सक्सेस अकेले नहीं कमाई जाती है, सबके साथ कमाओ, सब लोगों को साथ आगे बढ़ाओ। मेरा आज भी एक सबसे बड़ा सपना अधूरा रह गया। मैंने और मेरे बेस्ट फ्रेंड सिद्धांत ने 24 दिसंबर 2021 को वादा किया था कि हम दोनों अगले 2 सालों के अंदर एक स्पोर्ट्स कार साथ में लेने जाएंगे, साथ में परचेज करेंगे। ये सपना अधूरा रह गया और आज भी मुझे इस चीज़ का गम है कि सिद्धांत मेरे साथ साथ आगे नहीं बढ़ गए। पर मैं ये ज़रूर वादा करता हूँ, आज भी वादा करता हूँ कि अभी ये मेरी गाड़ी तो होगी, कुछ महीनों के अंदर, कुछ टाइम के अंदर यार सिद्धांत का भी सपना मैं पूरा करूंगा। हम दोनों साथ में गाड़ियाँ चलाएंगे, साथ में स्पोर्ट्स कार में जाएंगे, हमारे पेरेंट्स का हर एक सपना पूरा करेंगे, उन्हें हर एक चीज़ देंगे जो उन्हें शायद कभी नहीं मिल पाई, जो शायद वो एक्सपेक्ट करते थे कि ज़िंदगी में कभी हम नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ करेंगे, वो चीज़ उन्हें देंगे, दुनिया घुमाएंगे। एंड आई डू एवरीथिंग यार। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पहले कोई कार भी नहीं देखी थी। मैंने जो फर्स्ट कार परचेज़ की थी दैट वॉज अ सेकेंड हैंड फोक्सवैगन पोलो। आज भी वो गाड़ी याद है यार, वो गाड़ी, ये मस्टैंग से सबसे बड़ा सपना तो वो गाड़ी थी। आई परचेज इट फॉर 3.5 लाख्स, सेकेंड हैंड मैंने 3.5 लाख्स का परचेज़ किया था। एंड सबसे बड़ा सपना जो था दैट वॉज कि एक गाड़ी लेनी है, और वो एक गाड़ी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी चीज़ें करनी पड़ी। और सच बताओ तो मेरे जितने पूरे पैसे थे उस टाइम पर, पूरे पैसे थे, मैंने पूरे पैसे उस गाड़ी में लगा दिए थे। इतने मुश्किल से वो 3.5 लाख्स की सेकेंड हैंड एक फोक्सवैगन पोलो मैं परचेज़ कर पाया था। एंड कभी सोचा भी नहीं था यार कि इतने दूर भी आ पाएंगे। और ये चीज़ को हुआ कितना समय है, ये मैंने जनवरी 2022 में परचेज़ की थी, आई गेस 23 के आसपास मैंने वो फोक्सवैगन पोलो परचेज़ किया था। आज कुछ 1.5 साल हुआ है उस चीज़ को लेकर, एंड बहुत चीज़ें बदल गई है। आई हैव परचेज 2-3 कार्स आफ्टर दैट। एक मम्मी पापा के लिए बंगलो बनाया है, एक घर बनाया है, 2 बंगलोज बनाए, एक्चुअली बनना चालू है। पर ये चीज़ें कभी सोची नहीं थी यार। मम्मी पापा ने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके, अपने पूरे पैसे बचा कर, कमा कर, जोड़ जोड़ कर, एक एक टुकड़ा बचा कर, एक एक बूंद, सब चीज़ें सेव करके एक घर परचेज़ किया था। 4 लाख रुपए का ये हमने एक फ़्लैट परचेज़ किया था। मेरा जो होम टाउन है यहाँ पे, हम एक बिल्डिंग में 1 BHK फ्लैट में रहते थे। सच कहूँ तो अभी भी वहीं पे रहते हैं। हमने अभी तक, मैंने जैसे कि बताया, मैंने मेरे होम टाउन में एक बंगलो लिया था, पर उस पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। और जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मेरा जहाँ पर ऑफिस है उस टाउन में भी, उस सिटी में भी मैंने एक बंगलो का कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। तो अभी कुछ टाइम है हमारे दोनों घर बनने में, इस वजह से आज भी हम उस 4 लाख के घर में रहते हैं। एंड इस 4 लाख के घर के सामने 4 ऐसी गाड़ियाँ खड़ी होती है, और आज जो गाड़ी खड़ी होने वाली है वो गाड़ी की कीमत शायद पूरी बिल्डिंग से ज़्यादा है। पूरी बिल्डिंग की कीमत से ज़्यादा एक ये गाड़ी की कीमत होने वाली है। एंड ये जो चीज़ मैं दे पाया हूँ ना, इसके बाद से जब से मेरे मम्मी पापा को, सबको यार ऊपर के नज़रिए से देखते ना, मुझे नहीं पसंद था जब मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स को कभी नीचे देखा जाता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पापा को कोई भी दबा कर बात कर सके या कोई भी उन्हें नीचा दिखा सके। दिखावा नहीं करना चाहता यार ये सब चीज़ें बताकर, पर खुद को बताना चाहता हूँ, पूरब, यू शुड बी प्राउड ऑफ़ योरसेल्फ। तू कहाँ से कहाँ तक आ गया। वो कहते हैं ना, ग्रीड हैज़ नो बाउंड्रीज, लालच की कोई सीमा नहीं होती। कहाँ से शुरू किया था एंड कहाँ तक पहुँचने के बाद भी कुछ महीनों से मुझे थोड़ा डिप्रेसिंग फील हो रहा था। आई रिसेंटली बीन फीलिंग दैट आई एम स्टक, मैं फंस चुका हूँ। दूसरों को और आगे जाते देखते हुए मैं सोचने लगा कि मैं और क्यों आगे नहीं जा पा रहा, मैं क्यों वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहा जो ये लोग कर रहे हैं, या मैं वो चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहा हूँ जो ये कर रहे हैं। ऐसे कुछ थाट्स दिमाग में आने लगे, पर मैं अपने रूट्स भूल गया था। पूरब, तूने शुरुआत कहाँ से की थी, तेरा पास्ट क्या है,
तुझे याद है तेरा बाप कितनी मेहनत करता था बस तेरी स्कूल की फीस भरने के लिए? और तुझे याद है उस टाइम पे तूने पापा के जेब से कुछ पैसे चुराए थे, याद है या नहीं है? वो 500 रुपये जो तूने चुराए थे, 500 नहीं, कई बार मैंने 500 रुपये चुराए थे एक्चुअली। मेरा पास्ट ही मेरा रीज़न था जिस वजह से मैं मम्मी पापा को इतना रिपे करना चाहता हूँ। मेरे पापा ने कभी मुझे छोड़ा नहीं, मैंने 10th तक 11th तक मेरे मम्मी पापा को मेरे स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में बहुत डिसअपॉइंट किया। उस टाइम पे मैं एक बहुत ही इनकेपेबल सन था, मैंने बहुत सी चीज़ें गलत की थी। स्कूल में पापा को बहुत सर झुका कर रहना पड़ा था। याद है मुझे आज भी वो दिन जिस दिन पापा को स्कूल में बुलाकर प्रिंसिपल के सामने सर झुका कर बस गालियाँ सुननी थी। तेरे पापा के साथ उस टाइम पर कितनी बेइज्जती की थी याद है ना? उस वक्त पूरब तूने ठान लिया था कि इतना बड़ा बनना है ज़िंदगी में, एटलीस्ट इतना बड़ा बनना है कि तेरे बाप से कोई भी नीचा दिखा के बात ना कर सके, सब लोग सर झुकाकर या एटलीस्ट सर मिलाकर बात कर सके, नज़रें मिलाकर बात सके, कोई भी नीचा ना दिखा सके। आज ज़िंदगी इतनी बदल गई है कि कोई और नीचा नहीं दिखा सकता, यहाँ तक कि कुछ लोग जो पहले कभी बात तक नहीं किया करते थे आज वो सब दरड़ा सर करके पापा को बुलाते हैं। पैसे के दौड़ में इतना भी आगे मत निकल जाओ, इतने भी आगे मत भाग पाओ। देखो पैसे से ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट वो भी ज़रूरी है। मम्मी पापा को और आपको इतना बड़ा बनना है कि कोई भी यार नीचे नहीं देख सके। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। देखो मैं वीडियो अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गया, दैट वॉज़ बिकॉज एवरीवन वाज़ जस्ट सो एक्साइटेड। मेरी फैमिली बहुत खुश थी, मम्मी पापा बहुत खुश थे, उन्हें एक ट्रिप पर जाना था, हम ट्रिप पर जाकर आए, मेरे सारे एम्प्लॉयज़, मेरा स्टाफ बहुत ज़्यादा खुश था। आई वॉन्ट कि आप लोग भी मुझसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को और भी ज़्यादा खुशियाँ दे सको। आई रियली विश एंड आई सिंसियरली होप कि आप मुझसे भी बहुत आगे जाओ, हर एक वो सपना पूरा करो जो आपने और आपके मम्मी पापा ने शायद देखा होगा या नहीं भी देखा होगा। एंड देख भाई, तुझे इंसान वो बनना है जो तेरी पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल दे, और वो इंसान बनना है जो तेरी पूरी फैमिली की पॉवर्टी की चेन ब्रेक कर दे। आई होप तू मेहनत कर रहा होगा, आई होप तू ग्राइंड कर रहा होगा। एंड अगर ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज गेन करना है या मेरे साथ आगे बढ़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। अगर ट्रेडिंग सीखनी होती है मैं तो मैं टेलीग्राम पर ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ, ट्रेडिंग टिप्स एंड कॉल्स भी देता हूँ। दैट्स अबाउट इट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कंटेंट के लिए। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।